everyone, welcome back to our channel Tri-City Property Guru. I'm your host Taranum and आज मैं आपको लेकर आई हूँ in the project named as Elspezia, जो located है आपके जरकपुर में. Guys, Elspezia की video हम already पहले भी बना चुके हैं, आपको हमारे channel पे मिल जाएगी. But इस video में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Elspezia की construction update. पिछली video में हमने सिर्फ आपको sample दिखाया था क्योंकि हमारे पास जो project का construction था वो complete नहीं था. This time मैं आपको सैंपल तो दिखाऊंगी बट उसके साथ साथ मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगी क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है. आपकी सारी अम्यूनिटीज़ लाइक योर पार्क, योर क्लब हाउस, सब कुछ बन चुका है. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है. पोजेशन की बात करेंगे तो दिवाली तक दिस ईयर आपको इसका पोजेशन मिल जाएगा. मतलब अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट बाय करते हैं तो दिवाली जैसे शुभ मौके पे आपको अपना नया घर हैंडओवर हो जाएगा. बट आपको प्रोजेक्ट दिखाने से पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है आपकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो मेरे पीछे ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है आपका PR7 रोड जो फर्दर इन फ्यूचर कनेक्ट करेगा आपके पंचकुला 20 और 21 सेक्टर को. ये गमाडा के द्वारा प्रपोज रोड है आपका. कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ से आपकी 5 स्टेट्स जो हैं वो इजीली अप्रोचेबल रहने वाली हैं. ये दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, पंजाब के फर्दर जो आपके एरियाज आ जाते हैं, मतलब ईजिली अप्रोचेबल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं. नियर बाई प्लेसेस की बात करेंगे, शैमरॉक स्कूल आपका नियर बाई में आ जाएगा. कॉलेजेस के लिए आपको इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है. एंड यहाँ पे गाइज ये जो आपका ऑन हाईवे मार्केट है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांडेड आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे लाइक योर KFC, योर मैकडी, आपका डीकैथलॉन यहाँ पे है, लाइक बहुत सारे ब्रांड्स हैं. सो गाइज इन शॉर्ट, चाहे आपको डेली यूज की शॉपिंग करनी हो, चाहे आपको ब्रांडेड शॉपिंग करनी हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ईजिली अप्रोचेबल रहने वाली हैं. तो फाइनली अब चलते हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर एंड बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी है पर थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम चल रहा है. तो आइए चलते हैं अंदर. तो गाइस आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट का एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाने से पहले मैं आपको ये मॉडल दिखाना चाहती हूँ जहाँ से आपको सारी ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है एंड कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पर रहेगी. तो गाइस यहाँ से शुरू करते हैं. ये है आपका रोड PR7 जो मैंने आपको बताया था जहाँ से आपकी पूरी कनेक्टिविटी रहने वाली है. ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है पूरा आपका. यहाँ आ जाएगा आपका मेन एंट्री गेट जहाँ से आप प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हैं. अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके कंप्लीट 5 टावर्स रहने वाले हैं जिसमें आपके 3 टावर्स जो है वो 3 BHK के रहेंगे एंड 2 टावर्स आपके 3+1 BHK के आए जाएंगे. एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो बीच में आपको यहाँ पे 1.25 एकड़ का काफ़ी बड़ा पार्क मिल जाएगा जिसमें आपके जॉगिंग ट्रैक्स आ जाएंगे, वॉकिंग ट्रैक्स आ जाएंगे, आपके गज़ेबोस रहेंगे, वाटर बॉडीज़ आ जाएंगी एंड आफ्टर दैट आपका किड्स प्ले एरिया यहाँ पे रहने वाला है. एंड उसके बाद आ जाएगा आपका क्लब हाउस, काफ़ी बड़ा क्लब हाउस आपको यहाँ पर मिल रहा है. जो आपके क्लब हाउस का साइज़ रहेगा वो रहेगा अराउंड आपका 14,000 स्क्वायर फीट का जिसमें आपकी डिफरेंट एमिनिटीज़ रहने वाली हैं लाइक योर जिमनाजियम, योर पार्टी हॉल, योर रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल आ जाएगा आपका, डिफरेंट आपकी गेम्स आ जाएंगी, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं जो मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगी भी क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बन चुकी हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपका रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है. सो ये तो था हमारे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू जिसमें आपको स्ट्रक्चर जो है वो क्लैरिफाई हो गया होगा. अब चलते हैं हम हमारी एक्चुअल लोकेशन पर. आइए तो गाइज मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप ये है हमारे आज के प्रोजेक्ट का मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट. 2 एंट्रीज रहेंगी प्रोजेक्ट की, एक रहेगी आपकी 200 फीट वाइड रोड के ऊपर एंड सेकेंड रहेगी आपकी रिवेन्यू रोड के ऊपर जो आपका 60 फीट वाइड रहने वाला है. तो पूरी गेटेड टाउनशिप रहने वाली है एंड गाइज यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा. जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे लाइक प्रॉपर आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है. तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर एंड अंदर से एक्सप्लोर करते हैं. आइए तो गाइज दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा बन चुका है. जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये 3 टावर्स आ जाएंगे आपके 3 BHK के एंड कमिंग टू दिस साइड ये 2 टावर्स रहेंगे आपके 3+1 BHK के.
जो आपका 3BHK अपार्टमेंट्स आ जाएंगे उनमें आपकी जो पार्किंग रहेगी वो रहेगी आपके स्टिल्ट में एंड सरफेस पार्किंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड जो आपका 3+1BHK आएगा उसमें आपके पास स्टिल्ट प्लस आपको बेसमेंट पार्किंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड एलिवेशन की बात करेंगे तो जो आपका 3BHK टावर्स रहेंगे वो रहेंगे आपके S+14 कंसेप्ट के साथ। एंड जो आपके 3+1BHK के अपार्टमेंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे स्टिल्ट +12 कंसेप्ट के साथ एंड उसमें आपका बेसमेंट भी प्रोवाइड रहेगा। तो गाइज अभी जिस पार्क में मैं खड़ी हूँ ये आ जाएगा प्रोजेक्ट के बीचों बीच आपका 1.25 एकड़ का काफ़ी बड़ा पार्क जिसमें आप वाटर बॉडीज यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, फाउंटेन लगा हुआ है, ये ग्रीन स्पेस आ जाएगा आपका। अगर आप इस साइड आएंगे यहाँ पे आपका काफ़ी ब्यूटीफुल किड्स प्ले एरिया इन्होंने बना रखा है जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक आपके बच्चे काफ़ी मज़ा करने वाले हैं यहाँ पे आके, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी उनको अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, प्ले करने के लिए। एंड गाइज एमिनिटीज़ में मैंने आपके साथ क्लब हाउस की भी बात करी थी तो यहाँ सामने रहने वाला है आपका क्लब हाउस, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका क्लब हाउस जो बना हुआ है 14,000 स्क्वायर फीट में, कुछ इस तरीके का एलिवेशन रहने वाला है। इसमें आपको मल्टीपल एमिनिटीज़ मिल जाएंगी जो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगी क्योंकि बन चुकी है सारी चीज़ें, लगभग आपकी बस फिनिशिंग बाकी है। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से रहने वाली हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट के जो इनर रोड्स रहेंगे वो भी आपको काफ़ी वाइड मिल रहे हैं, मतलब आपको कहीं पे भी यहाँ पे कंजेस्टेड फील नहीं होने वाला है, लाइक 40-45 फीट वाइड आपके रोड यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लब हाउस के अंदर एंड उसका टूर करते हैं अंदर से। आइए सो ये रहेगी एंट्री आपकी क्लब हाउस की। यहाँ रहेगा रिसेप्शन एरिया, यहाँ आ जाएंगे वॉशरूम लेडीज एंड जेंट्स के लिए डिफरेंट, एंड ये आ जाएगा आपका रेस्टोरेंट एरिया। कंप्लीट रेस्टोरेंट यहाँ पे बनने वाला है जिसमें आप देख सकते हैं स्पेस कितना ज़्यादा है, इजीली यहाँ पे 50-60 पीपल जो है वो सिटिंग कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंट्री सेक्शन, यू किचन एरिया बोल सकते हैं आप। तो जो भी रेस्टोरेंट चलाएगा या फिर जब भी बनेगा तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो सकती हैं, प्रॉपर आपके शेल्स प्रोवाइडेड हैं एंड ड्यूल सिंक भी प्रोवाइडेड है, तो सारा जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे इजीली हो सकता है। आफ्टर दिस सो यहाँ पे आ जाएगा पूरा आपका आउटडोर सेक्शन जहाँ पे यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट का एरिया आ जाएगा आपका पूरा, वहाँ पे आपका पूरा बैडमिंटन कोर्ट आ जाएगा एंड इस साइड रहेगा आपका क्रिकेट पिच जहाँ पे पूरा नेट वगैरह लग जाएगा। एंड कमिंग टू दिस साइड यहाँ पे रहेगा आपका प्रॉपर कवर्ड स्विमिंग पूल जिसमें दो सेक्शन दिए गए हैं, एक आपका एडल्ट्स के लिए आ जाएगा एंड दूसरा आपका बच्चों के लिए रहने वाला है। यहाँ बेसमेंट में रहने वाला है आपका पार्टी हॉल, देख लीजिए कितना बड़ा हॉल है। यहाँ पे काफी सारी चीजें पड़ी हैं, प्लीज उनको इग्नोर कर देना, आप सिर्फ स्पेस देखिए कि कितना ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, लाइक आपकी 100 पीपल्स की गैदरिंग यहाँ पे इजीली हो सकती है। तो आपका कोई भी रिंग सेरेमनी हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज हो, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड गाइज पूरे ही क्लब हाउस में आपका सेंट्रलाइज एसी रहने वाला है। आइए एंड फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है आपका जिमनाजियम एंड इस साइड आ जाएगा आपका क्रेच एरिया, तो कोई भी मदर्स जो होती हैं अपने बच्चे को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती बट उनको जिम भी करना है तो आप जिम कर सकते हैं एंड अपने बच्चे को यहाँ पे क्रेच में छोड़ सकते हैं जितना टाइम आपको जिम करना है। तो आइए जिम आपको अंदर से दिखा देती हूँ मैं। तो गाइस ये रहेगा जिम जहाँ पे आपके सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं प्रॉपरली, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरिंग आपका सारा यहाँ पे वुडन वाला रहने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे एक सेपरेट रूम आ जाएगा फॉर अ मेडिटेशन एंड एरोबिक्स एक्सेट्रा, लाइक किसी को योगा करना है वो भी यहाँ पे कर सकता है, तो उसके लिए आपका एक डिफरेंट स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका जितना भी एसी है वो सेंट्रलाइज रहने वाला है। एंड इन योर सेकेंड फ्लोर यहाँ पे आ जाएगा आपका लिफ्ट के लिए स्पेस क्योंकि क्लब में आपको लिफ्ट भी प्रोवाइडेड है। इस तरफ आ जाएंगे आपकी सारी इनडोर गेम्स एंड यहाँ पे रहने वाले हैं गेस्ट रूम्स। आइए दिखा देती हूँ।
सो ये रूम्स आ जाएंगे इन केस आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, आपका घर ओवरलोड हो जाता है, एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाते हैं, तो आप इन रूम्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एसी भी प्रोवाइडेड है एंड ये जो रूम्स हैं आपके ये विद वॉशरूम रहने वाले हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप। सो गाइज अब आप पूरा प्रोजेक्ट देख चुके हैं, सारी अमेनिटीज, एक्चुअल स्ट्रक्चर सब कुछ आपने देख लिया है। अब फाइनली हम चलेंगे हमारे सैंपल अपार्टमेंट में, बट उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल जो भी आपके अपार्टमेंट में यूज किया जाएगा, लाइक जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो भी मटेरियल आपके अपार्टमेंट में यूज़ होने वाला है उसकी क्वालिटी कैसी है एंड उसके ब्रांड्स क्या क्या रहने वाले हैं। पूरा डिस्प्ले यहाँ पे लगा हुआ है एंड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आपको जो एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि क्या क्या चीज़ आपके अपार्टमेंट में यूज़ होने वाली है। तो गाइज ये रहेगा सर्वेंट रूम, काफ़ी स्पेशियस है, विद अटैच वॉशरूम रहने वाला है जिसमें आपका सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आ जाएंगी। एंड सो ये जो आपका सर्वेंट रूम है ये कनेक्टेड रहने वाला है आपके किचन एंड आपके थर्ड बेडरूम के साथ थ्रू दिस बैल्कनी। यहाँ पे टैप भी प्रोवाइडेड है तो आप इसको एज ए यूटिलिटी एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका किचन का एक्सेस, तो यहाँ से वो किचन में जा सकते हैं एंड ये है आपका थर्ड बेडरूम, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस बालकनी की बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस बालकनी आ जाएगी आपकी, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट्स इन्होंने लगा रखे हैं, तो आप फ्रूट गार्डन भी इसको अपना बना सकते हैं या फिर वेजिटेबल गार्डन बना सकते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अब हमारी मेन एंट्री के थ्रू यहाँ से एंटर करेंगे हम हमारे घर में। सो ये रहेगी आपके घर की एंट्री। एंट्री में ही आपको ये वुडन डोर मिल जाता है, बहुत ही बड़ा, लाइक 9 feet की हाइट रहने वाली आपके मेन डोर की। एंड गाइस यहाँ पे ना आपको एक विंडो मिल रहा है, ग्लास विंडो, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से देख सकते हैं अगर कोई भी बेल रिंग करता है तो कौन आपके दरवाजे पर खड़ा है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने ना एंट्री में काफ़ी बड़ा मिरर यहाँ पर लगा के रखा है, तो आप भी कुछ अपना फॉयर एरिया में ऐसा कर सकते हैं ताकि कभी भी आप घर के बाहर जा रहे हो तो एक फाइनल टचअप आप यहाँ पे ले सके, आपको पता चल जाए कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं। एंड आफ्टर दैट एंट्री में ही यहाँ पे रहने वाला है आपका ड्राइंग एरिया। लुक हाउ स्पेशियस इट इज़, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको ड्राइंग एरिया मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अराउंड 8 seater सोफ़ा यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है विद दीज 2 tables। उसके बाद भी मेरे पास मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे बन जाता है। आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड आपकी बालकनी भी यहाँ पे आ जाएगी, तो आइए। सो गाइज ये रहेगी बालकनी आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड, 6 feet wide बालकनी रहने वाली है। स्पेस से आप आइडिया लगा लीजिए कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, लाइक झूला लगा सकते हैं, प्लांटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, सिटिंग के लिए यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप खुली हवा में बैठ के अपना टी कॉफी इंजॉय कर सकें। एंड गाइज ये जो आपके डोर आ जाएंगे ये आपको विद टफन ग्लास यहाँ पे मिलने वाला है, तो आइए चलते हैं अंदर। एंड आफ्टर ड्राइंग एरिया यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस, जहाँ पे आप 6 seater डाइनिंग टेबल देख सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। एंड गाइस बिल्कुल डिफरेंट स्पेस मिल जाता है, आपका ड्राइंग बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा एंड आपका डाइनिंग बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा स्पेस आपको घर में मिल जाता है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो एक चेस्टर इंस्टॉल करने के लिए भी स्पेस आपके पास बच जाता है। ऊपर आपका फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है यहाँ पे, जिसमें आप बीच में ये ब्यूटीफुल सा शैंडलियर भी देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सामने वाला वॉल अगर आप चेकआउट करेंगे इसमें कंप्लीट आपका ग्लास का यूज़ किया गया है, जो कि एक रिफ्लेक्टिव पार्ट बन जाता है, आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, तो इससे आपको घर और भी ज़्यादा स्पेशियस लगता है। एंड गाइज इसी के साथ एडजॉइंट यहाँ पर रहेगा हमारा किचन, कंप्लीट हेटीक की किचन रहने वाली है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो आपके अपर कैबिनेट्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको मिल रहे हैं, लोअर कैबिनेट्स आपके विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके हॉब के लिए, कुकिंग काउंटर है ये आपका एंड यहाँ पे आप अपना चिमनी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्टिंग से यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस आ जाता है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए एंड योर पेंट्री सेक्शन, जहाँ पे आप अपना पेंट्री स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रहेगा हमारा ड्यूल सिंक एंड आपके पास डिफरेंट कैबिनेट्स जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके रख सकते हैं।
एंड गाइज ये वो आपका डोर है जो मैंने आपको कनेक्टिविटी बताई थी टूवर्ड्स योर बैल्कनी एंड योर सर्वेंट रूम, तो ये आपका डोर कनेक्टेड रहने वाला है। सो गाइज नाउ वी आर ऑल डन विद आवर ड्रॉइंग डाइनिंग एंड किचन, अब हम चलेंगे रूम्स की तरफ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए गाइज स्टार्टिंग में ही ना लाइक इस रूम में आके यहाँ पे ना आपको बिल्कुल होटल वाली फीलिंग आने वाली है। फ्रंट में आपके सबसे पहले कैबिनेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे सारी आपकी कबर्ड्स आ जाएंगे, मिरर आ जाएगा, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, एंड इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम जिसमें आपको कंप्लीट टोटो की फिटिंग्स मिलने वाली है, पूरा ब्रांडेड आपका वॉशरूम रहने वाला है। एंड देन कम्स योर रूम, अ ब्यूटीफुल रूम जहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप अपने रूम को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत स्पेशियस रूम है, इतना ज़्यादा फर्नीचर रूम में इंस्टॉल हो रखा है, उसके बाद भी मेरे पास मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस बच जाता है। पीछे वाला वॉल आप देखेंगे तो यहाँ पे ना आपका ये स्टोन वर्क हो रखा है विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो काफ़ी यूनिक चीज़ आ जाती है अगर आप भी अपने रूम में ऐड करना चाहें। इसके साथ भी आपकी जो बालकनी है वो आपकी अटैच आ जाएगी। आइए सो गाइज ये जो बालकनी है आपकी, ये आपके फर्स्ट बेडरूम एंड आपके सेकेंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, कॉमन बालकनी है दोनों की। एंड गाइज ये बालकनी भी आपकी बहुत ज़्यादा स्पेशियस दी गई है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल चेयर आ जाएगा आपका, वहाँ पे आपका झूला लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं आप झूला भी आपका लगा हुआ है, आप यहाँ पे प्लांटिंग भी कर सकते हैं एंड इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में जो आ जाएगा ठीक इस साइड। गाइस इसमें भी आपको सेम स्टार्टिंग में ही कबर्ड्स मिल जाते हैं, बहुत ही स्पेशियस कबर्ड्स हैं गाइस, ऊपर नीचे दोनों जगह आपको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल विद मिरर रहने वाला है, एंड अगेन यहाँ पे आपका वॉशरूम आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी आपको टोटो की फिटिंग्स मिल जाएंगी, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किट रहने वाली है एंड फुल वॉल लेंथ पे आपका टाइलिंग प्रोवाइडेड रहेगा। एंड आफ्टर दैट हियर कम्स आवर रूम, इसमें अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं तो सारी आपकी वुडन फ्लोरिंग रहने वाली है, एंड इसमें आपको डिफरेंट एक कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट एक डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अगर आप अपना रूम डिज़ाइन करने के लिए एक आइडिया सर्च कर रहे हैं तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड आइडिया फॉर यू, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा वुडन का यूज़ आ गया है, पैनलिंग आपकी इंक्लूडेड है, ऊपर आप यहाँ पे ब्यूटीफुल सा शैंडलियर देख सकते हैं, फॉल सीलिंग आ जाएगा आपका बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन में। एंड गाइज इसके साथ भी आपकी बालकनी जो है वो अटैच रहेगी, जो मैंने आपको रनिंग बालकनी आपकी वहाँ से दिखाई। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेड इंस्टॉल करने के बाद भी आपके पास एक काउच ऐड करने के लिए स्पेस बच जाता है। सो गाइज ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब चलेंगे थर्ड बेडरूम में। तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम, इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा, इसमें भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है, आपका बेड इंस्टॉल है फिर भी मेरे पास मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस बच जाता है। यहाँ रहेंगे आपके कबर्ड्स विद द स्लाइडिंग डोर, आप देख लीजिए कितना ज़्यादा गाइस कबर्ड्स बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं, स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस साइड आ जाएगा आपके एलईडी पैनल के लिए स्पेस, एंड यहाँ पे रहने वाला है वॉशरूम जिसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ये आपका कॉमन वॉशरूम भी हो सकता है घर का जिसको आपके गेस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कंप्लीट फिटिंग्स देख लीजिए, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलने वाली हैं, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किट रहेगी, वॉल लेंथ पे आपको कंप्लीट टाइलिंग प्रोवाइडेड रहेगी। एंड गाइस इसके साथ ना आपको दो बैल्कनीज अटैच मिल रही है, एक तो आपकी ये बैल्कनी आ जाएगी जो मैंने आपको सर्वेंट रूम से दिखाई थी, एंड सेकेंड वन आपकी ये वाली बैल्कनी आ जाएगी। सो देख लीजिए ये बालकनी है सेकंड वन जो आपके थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, काफ़ी स्पेशियस ये भी आपको बालकनी यहाँ पे मिल जाती है, एंड रेलिंग अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी हाइट के साथ मिल रही है। सो गाइज ये था हमारा थर्ड बेडरूम, इसी के साथ आज के हमारे 3+1 BHK का टूर कंप्लीट होता है। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा चुकी हूँ, प्रोजेक्ट का मॉडल दिखा चुकी हूँ, सैम्पल अपार्टमेंट दिखा चुकी हूँ, हाईवेज बता चुकी हूँ, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब आप मुझे बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आपको ये प्रोजेक्ट विजिट करना हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।